हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो समझ में आया और अच्छा लगे तो लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास राउंडर, इसे कंपास भी बोलते हैं, स्केल और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन 3, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर्स, एग्जांपल नंबर 14। टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ इट्स टू इक्वल साइड्स बीइंग गिवन। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विद इट्स टू अनइक्वल साइड्स मेजरिंग 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इन लेंथ। हिंदी प्रश्न, चतुर्भुज रचना। उदाहरण 14, दो असमान भुजाओं को लेकर एक समकोण चतुर्भुज आयत बनाना। प्रश्न, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई की दो असमान भुजाओं वाला एक आयत बनाइए। मराठी प्रश्न, 5 सेंटीमीटर आणि 8 सेंटीमीटर लांबीचा दोन असमान बाजू असणारा आयत काढा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 को हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, बहुत ही आसान सा यह क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दो अनइक्वल साइड्स यानी असमान भुजा दो दी गई है और उससे हमें रेक्टेंगल आयत बनाना है। तो पहले लंबे वाली जो भुजा है उसे हमें लेना है। क्वेश्चन में दो भुजा दी है, एक 8 सेंटीमीटर वाली और एक 5 सेंटीमीटर वाली। यहाँ पर हम 8 सेंटीमीटर वाली भुजा लेंगे। क्वेश्चन में दिए गए अनुसार यहाँ पर हमने 8 सेंटीमीटर लंबी वाली एक लाइन ली है। उस लाइन को हमें राइट साइड को थोड़ा बढ़ाना है और यहाँ पर लेफ्ट साइड को थोड़ा बढ़ाना है। इस प्रकार से यहाँ पर नाम देना है ए बी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर हमें परपेंडिकुलर निकालना है। ए पॉइंट पर कंपास का राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रखकर हमें लेफ्ट साइड को एक आर्क बनाना है ए बी लाइन पर और राइट साइड को एक आर्क बनाना है। उसी तरह से बी पॉइंट से दो आर्क बनाने हैं ए बी लाइन पर। यहां पर पहले वाले आर्क ने ए बी लाइन को यहां क्रॉस किया है, यहां बिंदु मिला है, पॉइंट मिला है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट मिला है, यहाँ पर पहला, यहाँ पर दूसरा। उन पॉइंट को डार्क करना है। उसके बाद पहले वाले पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर ए से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेना है। ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली लेना है। ए बी लाइन के ऊपर वाले हिस्से पर एक आर्क बनाना है। उसी तरह से दूसरे पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। यही प्रोसेस यहाँ भी करके लेना है। इस प्रकार से दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ पर क्रॉस हुए वहाँ पर पॉइंट लेना है और मिले हुए पॉइंट को और ए पॉइंट को यहाँ पर जोड़ना है। इस प्रकार से इस परपेंडिकुलर को नाम देना है यम और इसे नाम देना है यन। क्वेश्चन में उस रेक्टेंगल का दूसरा लाइन उसका डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर। तो कंपास में राउंडर में हमें 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके ए पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर इस ए एम परपेंडिकुलर पर एक आर्क बनाना है। उसी डिस्टेंस से बी पॉइंट पर स्टील वाला पॉइंट रखकर इस बी एन परपेंडिकुलर पर एक दूसरा आर्क बनाना है। दोनों आर्क परपेंडिकुलर को क्रॉस कर गए वहाँ पर पॉइंट लेना है। इस पॉइंट को नाम देना है सी और इस पॉइंट को नाम देना है डी। उसके बाद सी डी इस लाइन को खींचना है, निकालना है। इस प्रकार से यहाँ पर डिस्टेंस लिखना है 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने यह समकोण चतुर्भुज बनाया है।
ABCD रिक्वायर्ड रेक्टेंगल बनाया है। बच्चों जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इस डिस्टेंस को चेंज करना है, बाकी का जो कृति है वो सेम है। डिस्टेंस को चेंज करके बार बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।